वाला पूछ रहा भैया आज कितनी बार निकाला। सौरभ भाई की नहीं है ये गाड़ी, एक्चुअली अज्जू भाई की है। ये सारे साइड में खड़े, कह रहे क्या उन से लोग आए भाई, कितने जंगली लोग आए भाई, बहुत ऐसा क्या करने वाला है आदि आ रहा ठीक है, अच्छा लग रहा है। अरे लोग ना ऐसे खड़े कि भाई कौन से जंगली है। कल दिखाया था ना मौसम कैसा था, और आज देखो भैया इतनी तेज धूप निकली हुई है, इतनी तेज ना कि पर्दे के अंदर से पेनिट्रेट करके आ रही है ना, यहाँ बैठा नहीं जा रहा है। एसी ऑन किया है और ये अपना आ गया ब्रेकफास्ट। हाँ ब्रेकफास्ट वैसे मैंने कर लिया था, ड्राई फ्रूट्स, बट अभी ये थोड़ा सा पोहा और थोड़ा सा जूस खा के फटाफट यहाँ से निकलते हैं कहाँ, न्यू दिल्ली। बट आज अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, देखो अपनी गाड़ी लास्ट टाइम लेके गया था, ढाई घंटा जाने में, ढाई घंटा आने में, पांच घंटा अपन रोड पे थे और जैम तो अलग। तो अभी ना करण को बुलाया क्योंकि उसको नहीं पता है कि कितनी दूर है, तो करण को बुलाया कि करण आ जा, बहुत मजेदार ड्राइव है, बहुत ज्यादा मजेदार। चलो भाई, भाई आ गए। हमें एक्चुअली पहुंचना था वहां पे 2 बजे, फिर को पता है ना, देखो मैं तो सुबह उठ गया था, कुछ लोग थे उठ नहीं पा रहे थे। कभी फ्लाइट पकड़ना होगा तो कैसे पकड़ोगे, अगर किसी ने आदि पुरुष देखी है ना तो प्लीज बताओ, मतलब उसके रिव्यूज तो ऐसे आ रहे हैं कि भाई बहुत ही बेकार सी बनाई, मतलब जो एक्चुअली जितना एक्सपेक्टेशन था ना, मतलब वो नहीं है, बहुत ही मतलब एक बार देखेंगे उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या, लेकिन अभी तक डायलॉग बता रहे वो गलत था। हाँ वो थोड़ा सा अगर आप लोगों ने देखी है ना तो वो बताओ। मीनवाइल हम यहाँ से दिल्ली पहुंचने में तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, करण साइकिल को पिक करेंगे या तो हम वो हमें पिक करेगा, एक जगह गाड़ी पार्क कर देंगे। फॉर्च्यूनर में चलते, करण को पता नहीं है ना, वो उसके चलाने से क्रिप करता जाएगा। देखो हम नेक्सा तो पहुंच गए, बट ये वाला नेक्सा ना गुड़गांव वाला है, तो अपने को यहाँ नहीं जाना है, अभी यहाँ पे बस हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं। पता तो नहीं है कि हम टाइम पे पहुंच पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 बज गए, अभी करण आया नहीं, उसके लिए चिकन रोल पैक करें क्योंकि भाई को भूख लगी थी। अरे यार रुक जाओ विकास भाई। हाँ मैं हमेशा डायलॉग सुनता हूँ। हाँ आज मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्या फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है ना, तो वो क्यों नहीं लेके आया भाई। फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं। ओहो ओके, गुड म्यूजिक गुड म्यूजिक, ब्लॉग खत्म यहाँ पे, द एंड। जाओ टाटा बाय बाय। सुनो हाँ अच्छा गाने तो सुनो, मैं तो सीट बेल्ट लगा के बैठा हूँ भाई। मैंने 4 दिन चलाई फॉर्च्यूनर क्योंकि नई गाड़ी थी, मैं सोचा था मैं दोनों को बराबर प्यार दूंगा, ठीक है। फिर मैंने 4 दिन प्यार दिया फॉर्च्यूनर को, इतना प्यार दिया, दिन रात प्यार दिया। उसके बाद मैं 5वें दिन बैठा स्कॉर्पियो, मैं तो शॉक हो गया, मैं ये तो धोखेबाज है। क्या स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर भाई ये जो सोच के आया था ना कि ओ ट्रैफिक में मैं नहीं चलाऊंगा, दे दी ना मेरे को हाथ में स्टीयरिंग, पानी पिला दो माँ कसम गला सूख जाएगा। पानी कहाँ है, कॉफी है, सिर्फ पौधों के लिए है, तो बियर पीते हैं। भाई अभी भी हमें पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा यार। अरे वो तो दे दो गूगल मैप, गूगल मैप क्या, रास्ते सीधे मैं बता रहा हूँ ना। दिल्ली 365 साल बाद हम पहुंच गए, 3 बजे का टाइम था, 4 बजे पहुंचे हैं। खन्ना भाई भी अभी आया, देखो हम अकेले लेट नहीं है, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो लेट। यार तुम तो यार रहते, हाँ नहीं नहीं बैठा था, ये तो मैं काट दूंगा ना, यही बैठा था, ये एडिटिंग में काट दो, चलो अंदर जाके गाली सुनते हैं ना। कोई भी मेरे को गाली नहीं देगा, हाँ मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, मैं 11 बजे से उठा हुआ, मैं 11 बजे से उठा हुआ था भाई। हाँ ये अरे देखो मेरी वजह से लेट नहीं, मैंने मुबारक हो मुबारक कैसे पसंद है? नहीं देखो सुनो सुनो मेरी मेरी गलती नहीं है, अभी 2 लोग आ रहे हैं उनको आप जी भर के गाली देना, चेयर सारी उनको एक्युमुलेट हो जाएगी। हाँ इसीलिए तो मैं अंदर मैं अंदर मुझे पड़ेगी, फिर मैंने देखा ना विकास की गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं, मैं तो उनके साथ मुझे पता था कितनी दूर है, तो इसीलिए तो मैं तो एक बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैंने कहा तुम गाड़ी लेके चलोगे। भाई आज शोरूम वाले भी बोलेंगे क्या है, सारे लोग कैमरा लेके। पर्दे वाला पूछ रहा भैया आज कितनी बार निकाला, वो तो डर रहा होगा, कह रहे भाई आज से मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा।
कह रहे उस दिन दो आए थे तो दस बार खिंचवाया था, आज तो इतने आए और वो भी सबके हाथ में कैमरा है, उसको पता नहीं है ना ये कितनी बार खिंचवाने वाले। अलग अलग सबकी रील अलग अलग बनेगी भाई, देखो वर्कहॉलिक यहाँ भी लैपटॉप लेके चल रहा है ना क्या, कौन सी भाई पिज्जा खा लो। सॉरी यहाँ पे ना थोड़ा ब्लॉग ऐसा बनेगा क्योंकि लोग बहुत है और पिज्जा कम। आई नो के गाड़ी का कलर देख के ना बहुत लोग बोलोगे यार ये कौन सा कलर है वो कौन सा कलर है, बट गाड़ी में जो काम होने वाला है ना वो डिफरेंट होने वाला है, तो कलर चाहे गाड़ी का कोई भी रहता है साले, बिना कलर बिना पेंट काम होने वाला बिना टायर के दे, हम क्योंकि अल्टीमेटली हमें चेंज ही करना है टायर, हाँ इंजन छोड़ के गाड़ी में हर एक चीज चेंज करेंगे। हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें ना जो आपने सोची भी नहीं होगी वो कर रहे हैं, अब वो बताऊंगा थोड़ी ना, आप सोचो अभी तो आपने सोची नहीं है ना जी। बता रहा हूँ कि थोड़ी देर में ना शोरूम वाले ना, देखो आधे पब्लिक तो चली गई जो गाड़ी देखने आई थी ना, एक फैमिली आई थी बेलेनो देखने, कह रहे हैं इस शोरूम से नहीं लेना क्योंकि इसमें इतने लोग हैं ना, कह रहे यार ये क्या इतना हल्ला कौन करता है यार गाड़ी की डिलीवरी के पहले, देख रहे हो अंदर से कोई मतलब नहीं है, शोरूम वाले एक साइड पे खड़े हैं, साइड में देखो ये सारे साइड में खड़े, कह रहे कौन से लोग आए भाई कितने जंगली लोग आए, सब कैमरा लेके एक दूसरे से पता नहीं क्या बात कर रहे, एक दूसरे के मुंह पे कैमरा लगा रहे, ये देखो इनको मतलब ही नहीं है, ये देखो ये ना एक्सपर्ट छेड़खानी करना, ये एक्सपर्ट रिव्यूअर्स है, ये अच्छा है वो खराब है ऐसे, मतलब बाकी शोरूम वाले एक तरफ और हम एक तरफ। भाई बहुत भाई ये व्हील आर्टिकुलेशन के लिए, ये व्हील आर्टिकुलेशन के, अरे यार ऐसा क्या करने वाला है, इसके अलग प्लान है, कह रहे ना इसके पीछे वाली सीट निकलवा, कह रहे इसमें बूट स्पेस काफी अच्छा है, बैठो ऐसे बैठो नहीं लगेगी, ये लॉक होता कहीं से जहाँ खोल नहीं पाए भाई, एक मिनट छोड़ दो, आ जाओ आ जाओ बाहर आओ बाहर आओ, ठीक है अच्छा लग रहा है, ठीक हो अच्छा लग रहा है, अरे अच्छा लग रहा है खोलो अंदर, अरे ठीक है बहुत जगह है बहुत जगह है, अरे है जगह, ठीक है अरे है जगह भाई अंदर से, अरे है भाई भाई ठीक लग रहा है, इसका ये देखो ठीक लग रहा है, इसका इंसुलेशन कितना अच्छा है, अंदर की आवाज बाहर नहीं आ रही, अरे रो अंदर ही रो, हां बढ़िया बढ़िया अच्छा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, वेरी गुड वेरी गुड, उतार दो कपड़े उतार दो भाई, अंदर सीरियसली खोलने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है तो फिर बंद करो ना फिर खोल अब पता है ना अब रहने दो अंदर, हमें तो शोरूम से बाहर निकाल दिया गया, कह रहे फॉर्मेलिटीज भी आप बाहर करोगे, आपके वजह से हमारे आधी गाड़ियों की सेल कम हो गई, कस्टमर भाग गए, सारे खड़े मारने को तैयार खड़े, हाँ ना कह रहे इनको निकालो पहले, इनकी इनकी डिलीवरी पहले कराओ, कस्टमर कम है यूट्यूबर ज्यादा है यहाँ पे भाई, अगली बार किसी गाड़ी की डिलीवरी होगी ना वो पूछेंगे कि भाई आप पता बताओ कि आपके फ्रेंड्स कौन है, ठीक है आप बिजनेस में, गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग गाइस, ये देख रहे हो ये वाला एडिटिंग में कटेगा, गुड मॉर्निंग रूम तक ना फीलिंग आनी चाहिए भाई, एनर्जी वाली फीलिंग आनी चाहिए भाई, कितना भी थके रहो चेहरे पे स्माइल और फीलिंग हमेशा एनर्जेटिक होनी चाहिए। आज फाइनली अनवील करेंगे और आज लेके निकलेंगे, अनवील तो उस दिन भी कर दिया था बट लेके नहीं निकल पाए थे, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, कौन सा मंगवाई थी, कलर कौन सा है, कलर कौन सा, ये गेस करो, ये सबसे जल्दी करेगा एक चिमनी हमारी तरफ से फ्री, हाँ मैं फेक आईडी बना के डालूंगा ना, येलो कलर में बता रहा हूं, नहीं तोता तोता कलर बताओ, हम बताएं एक चिमनी हमारी तरफ से फ्री, नींबू नींबू नीला नीला नींबू तो फाइनली ये बता देते हैं कि ये गाड़ी एक्चुअली सौरभ भाई की नहीं है, ये गाड़ी एक्चुअली अज्जू भाई की है, मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बार के पैसे मिलते हैं, हाँ सही बात, नहीं हाँ वो अज्जू भाई देंगे हमारे तरफ से, अब मैं सब में आऊंगा, अब मैं सब में आऊंगा, हर एक के थंबनेल में मैं आऊंगा, नहीं नहीं थैंक यू भाई, लास्ट टाइम मैंने सुनो लास्ट टाइम, अरे रुक जाओ ना, लास्ट टाइम मैंने खराब कर दिया था, सौरभ भाई कह रहे जो
भाई अब करण, अरे यार कितना चिल्ला रहे हो यार। हाँ चलो 1 2 3 कमल। जीना सिखाया मजबूर जैसा दिल रो रहा है, दिल है परेशान, हीरा राजा इश्क जैसा। मैं ना देखो सारे लोग ना ऐसे खड़े कि भाई ये कौन से जंगली है, ऐसे कौन डिलीवरी लेता है। इनको लग रहा है कि जी वैगन तो नहीं बेच रहे गलती से। अब कौन रह गया? चलो रेडी 1 2 3 हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले जिमनी जाएगी लोअर मस्टैंग, नहीं अपर मस्टैंग। थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू। थैंक यू मिल गया है। हाँ क्या 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 इतनी दूर से डायबिटीज ना डाइटिंग पे है ना, बोले नहीं पड़ रहे आप ही। अरे हम आज आने का हम नहीं जानते इनको। नहीं नहीं मैम हम अलग अलग हैं। हम आ जाएंगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे। वो उधर से आपके सेंटर अब बंद कर देना कि स्टार्ट हो चुके। क्या लग रहा है यार इंटीरियर बहुत ही लग रहा है। चलो बढ़ाओ बोलो श्री अम्बे मात की। जीना सिखाया मजबूर जैसा जाना है जा। तो पार्टी चेंज कर दी, मैं आ गया जिमनी में, मैं और रजत भाई, बाकी सब जिसमें जहाँ बैठना। दो लोग और आ सकते भैया, चार लोगों की गाड़ी है, दो लोग और आ सकते हैं। और जो डिलीवरी हुई ना भाई, इतनी ताबड़तोड़ इतना मजा आया ना, मतलब शोरूम वाले भी ऐसे सोच रहे थे ना। नहीं नहीं जानता है मेरा बाप कौन है। इसमें दो लोगों की जगह और है, आ जाओ आ जाओ और जाओ आ जाओ मनुष भाई आओ। अच्छा मनी के सर आप दो गाड़ी लेके आओ, एक गाड़ी तो एक छोड़ दो यहीं पे, एक छोड़ दो यहीं पे। हाँ हाँ आराम से आ जाओ। इंटीमेट हो रहे मतलब, अरे मतलब वो पार्ट से पार्ट नहीं मतलब टच हो रहे हमारे। अपन जा रहे हैं अभी यहाँ से थोड़ा सा कुछ खाने पीने, इतने सारे लोग थे ना, मतलब इतनी कोल्ड ड्रिंक हमने पी, इतनी कोल्ड ड्रिंक पी। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं रजत भाई आप अपने हिसाब से चलो, कह रहे निकल गई वो टच हो गई भाई निकलते निकलते के साथ, थंबनेल आ गया। आवाज आई नहीं उसकी नहीं आई, वो हाथ कोनी लगा। कैसा लग रहा है फर्स्ट एक्सपीरियंस? ये पहली बार ऐसा हो रहा है ना, मुझे फ्रेम चेंज नहीं करना पड़ रहा है। सही है, उदाने के लिए तो बेस्ट है। और एक फ्रेम में सब कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। इनफैक्ट आपके दोनों के विंडोज भी नजर आ रहे हैं दोनों साइड के। आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही, किस
अरे रुक जाओ ना, अरे रुक जाओ। इतना मस्त था ना, इतना मस्त खाना था, इतना हचक के गया ना, अब तो मैं पीछे बैठ के आगे बैठ के सो जाऊंगा। निकलते, ये अच्छी जगह थी यार सैंडोस। अब मैं और अज्जू भाई इस गाड़ी में जाएंगे, करण को ना एक्चुअली शूट करना है। अरे हटो गुरु, व्लॉग बन रहा है यार, व्लॉग बन रहा है। चलो मिलेंगे ना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा डेट कंफर्म, पूजा वाला ना, ठीक है, चलो। भाई तुमने गाड़ी चलाई ना, ऑनेस्ट ओपिनियन देना यार, मिक्स्ड फीलिंग है। मिक्स्ड फीलिंग क्यों है? मतलब बाहर से थोड़ा अजीब है, अंदर बैठ के अच्छा है। चलाने में कैसा लगा? ब्रेक साला है नहीं, ब्रेक नहीं है, बहुत कम है, बहुत हल्की ब्रेक। अजू यूटर्न लेना है? और पीछे से शूं जा रही है। अच्छा। और पीछे पांच बंदे तो ऐसे दबा के बैठे हुए अपने आप। हाँ, पीछे तो पांच बंदे, चार मतलब पावर, पावर भाई है, शूं जाती है। 105 bhp है ना, तो वेट पावर रेशियो अच्छा, बट टॉर्क नहीं है। टॉर्क पर इसका पता है, गियरिंग सिस्टम इन्हें अच्छा करा हुआ, जिसके कारण फोर स्पीड ऑटो है, आपको ऐसे पावर का महसूस नहीं हो रहा कि कम पावर है। अच्छा, तो अच्छा, ओवरऑल गुड पैकेज, गुड, मतलब 17 लाख नॉट वर्थ इट। हां, 17 लाख नॉट वर्थ इट, 15-14 लाख वर्थ इट। मैंने नहीं चलाई यार, मैं तो बगल वाली सीट पे बैठा। देखो भाई अभी गाड़ी उन्होंने निकाली ना, थार से ज्यादा कम बॉडी रोल है यार, थार बड़ी कितनी है, और बंदा राजो की तरह बैठता है यहाँ पे। भाई मैंने हाथ रखा, गाड़ी खत्म। ये चीज है, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहेगा ना वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगा। अभी तो यहाँ से चलते हैं गुड़गांव, बहुत दूर है भाई। हमारा भाई बहुत अच्छा ड्राइवर है, वी आर प्राउड ऑफ यू। स्कॉर्पियो का सनरूफ लीक होता है ना, तो इनके जैसे लोगों के वैसे होता है। ये देखो, इसका यहाँ से रबड़ उतर जाता है, फिर ये स्कॉर्पियो को बदनाम करते हैं। भाई इसकी जैसे गाड़ी नहीं है, बिग डैडी ऐसे ही नाम रखा महिंद्रा ने। भाई मैं स्कॉर्पियो की चाहे कितनी भी मजाक उड़ा लूं, जब तक करण भाई के पास स्कॉर्पियो है ना भाई, ये गाड़ी मेरा प्यार है। ठीक है, दे ₹1000 में बात हुई थी, टोटल हिसाब हो गया, मैं 2000 दो बार अपने अच्छा बोला। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं भाई, करण भाई की गाड़ी है, नहीं गाड़ी है। आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है। हैप्पी फादर्स डे। पापा जी बोले, अच्छा जिंदगी में कहीं पापा जी नहीं बोले।